Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum students. Learn online school ki janib se main hoon Mohammed Imran aur aaj AutoCAD ke andar main aapko bataunga ki ye mukammal iski ye 2D 7 marle ki aur iska front elevation aur iski mukammal 3D hum kaise design karenge. To aap ye step by step dekhte rahein. सबसे पहले हम डाइमेंशंस लेते हैं 35x54 की. आप साइड फेंकते हैं 35 और नीचे आप साइड फेंकते हैं 54. जेड इंटर ए इंटर करते हैं. जूम कंट्रोल हो गया है. 54 फुट से हमारे पास डिफरेंस क्यों आ रहा है. 54 फुट और 35 फुट. अब हम इसको ऑफसेट फेंकेंगे 9 इंच का. 9 इंच की हमारे साथ दीवार बन जाएगी. अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि हमने ऊपर से 10 फुट की जगह छोड़ देनी है. ऊपर से 10 फीट की स्पेस हमने दे देनी है और उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास जो रूम आ रहा है ये 11x11 हम कर लेते हैं. थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. अगर 11x10 भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं. साथ ऑफसेट फेंक दिया नीचे वाली साइड पे. हमने 9 इंच की दीवार बना दी. उसके साथ हमने क्या करना है कि 4 फुट का ऑफसेट फेंकना है और फिर 5 फुट 6 इंच ऊपर से हट देनी है. ठीक है, जो यहाँ तक आएगी इस जगह तक. लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है तो देखते हैं क्या सीन है. सबसे पहले ऑफसेट 4 फुट सेट 9 इंच और उसके बाद आ गया जी 10 फुट 5 फुट 6 इंच ऑफ सेट 10 फुट 5 फुट 6 इंच. यहाँ तक आ गया. साथ ही हम ऑफ सेट फेंक देंगे 9 इंच का और अब हम इसका एक्स्ट्रा ट्रिम करते हैं या डबल इंटर से. और अब हमारे पास कहाँ तक बन चुका है, ये बन चुका है. यहाँ हमने ऑफसेट फेंकना था 5 फुट 6 इंच का और ऑफसेट फेंकना है 9 इंच का. साथ ही बेसिकली अब हमारे पास जो सीन है वो यहाँ तक है. ये आ गया. इसमें हमारे पास सीन भी ख़त्म हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास अब आएगा बाथ 5x6x5 फुट 3 इंच का. इस जगह पे हाफ सेट 6 फुट बाय 5 फुट 3 इंच, हाफ सेट 9 इंच. उन्होंने तो यहाँ पे 4 बनाई है, मैंने 2 9 बना दिए. दीवार कम कर दी मैंने तो 9 की पूरी रखी है. अगर आप पूरी कम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ट्रिमिंग कर दें. और इसको उसके ने लॉन्ड्री बना दी है तो इसको हम आपस में ई एक्सटेंड करते हैं और मिला देते हैं. नेक्स्ट अब हमारे पास ये है 10 फुट बाय 15 फुट 6 इंच. सेट 10 फुट इधर बाय 15 फुट 6 इंच.
इंटर। इसमें हमारे पास ये जो हिस्सा है ये सारा ट्रिम हो जाएगा। यहाँ तक हमारा सीन क्लियर है, यहाँ तक हमारा डायमेंशन आ चुकी है। यहाँ पे इतनी ओपन एयर जगह है, बल्कि यहाँ से हमें इसको मिलाना है, इसको खाली करना है, इसको मिलाना है और इसको आपस में मिलाना है। यहाँ से मिस्टेक हो गई है, ड्राइंग हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया है ये बेडरूम 11x10 हाफ सेट 11 फुट। इसको इक्वल आना चाहिए, इसमें डिफरेंस आ रहा है तो हम इसी को आगे ले आते हैं, नीचे वाली साइड पर इसका ऑफसेट फेंक देते हैं। अब हमारे पास है ये नक्शा, देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ हमारी स्टेयर्स आ जाएंगे और थोड़ा सा फ़र्क आया है, लेकिन आपको मेरे ख्याल में बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। 15 फुट चेंज बेसिकली यहाँ तक ऐसे आ गया, 4 फुट और जगह बचती है। चले यहाँ तक ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ये चीज़ें ख़त्म करते हैं, फिर इसके दरवाजे खिड़कियाँ लगाते हैं। मसलन ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, अब मैं ट्रिमिंग करूँगा। तो नेक्स्ट 2 मिनट वेट कीजिएगा। हाय स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे से ट्रिमिंग कर रहा था तो बीच में एक दोस्त आ गए, उनके साथ बीच में थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है। अभी मैंने कहा मैं आपको कंप्लीट करवाता हूँ। ये अपनी ट्रिमिंग लाजमी करनी है ताकि क्लियर हो सके कि आपके रूम्स किस साइड पे हैं और आपका किचन वगैरह दूसरी चीज़ें किस साइड पे हैं। इसको आपस में जोड़ने के लिए आप फिलेट भी कर सकते हैं, एक्सट्रूड की कमांड भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मेन हम ओपन यहाँ पे गेट लगाएंगे। फिलहाल इसको मैं ठीक करता हूँ, अब फिल्टर करें। ये देखें ये ठीक हो गए। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे गेट है, यहाँ पे हम 1 फुट इसको हम करते हैं मूव और यहाँ से यहाँ, और यहाँ से हम इसको ट्रिम कर देते हैं। और यहाँ से हमने ऑफसेट फेंकना है 12 फुट का, क्योंकि हम 12 फुट दूर एक लगाना चाहते हैं। और इसी को आप कॉपी कर लें, सी ओ इंटर करके, सी ओ इंटर कॉपी, और इसको आप यहाँ पे लगा दें।
तो ठीक है, डबल एंटर करके इसकी ट्रिमिंग कर दें। तो आपका ये मैप तैयार हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हमें सबसे पहले के खिड़कियां किस किस जगह लगानी है। हमें इसके सेंटर पॉइंट पे खिड़की लगानी है। इसका मिड पॉइंट देखते हैं, ये मिड पॉइंट है। हाफ साइड फेंकते हैं 3 फुट इधर और 3 फुट इधर, और यहाँ से हम सेंटर से लाइन लेके हाफ साइड 2 इंच का मज़ीद, इस चीज़ को हम ऑटोकैड में बोलते हैं विंडो लगाना, खिड़की लगाना। ये देखें, अब इसका इस जगह पे दरवाज़ा है और बाद के साथ इसके इस जगह पे दरवाज़ा है। यहाँ से हम इसको ऑफसेट फेंकते हैं 3 इंच, ऑफसेट 4 फुट, ये हमारा 4 फुट का दरवाज़ा निकल आया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमें किचन का दरवाज़ा पीछे यहाँ पे खिड़की लगानी है और इस जगह पे दरवाज़ा निकालना है। यहाँ से लाइन ऑफसेट 3 इंच। आज आप पढ़ रहे हैं ऑटोकैड और बेसिक से एडवांस लेवल तक। इसकी नई वीडियो ट्यूटोरियल आप देख रहे हैं और कंप्लीट प्रैक्टिकल देखें ताकि आपको कंप्लीट वीडियो में समझ आ सके कि हमने क्या करना है। इस जगह पे हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से ये लाइन लगानी है और यहाँ से यहाँ तक, ताकि हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल के हम इसकी विंडो बना सकें। ऑफसेट 2 फुट देखते हैं, 4 फुट तो बहुत बड़ी हो जाएगी, 4 फुट ही तकरीबन है, और इसके दरमियान हमने लाइनें लगा देनी है। तो ये हमारी विंडो यहाँ पे किचन की तैयार हो गई। अब ये देखना है कि हमें मज़ीद हमें क्या करना है। मज़ीद हमें यहाँ पे विंडो लगानी है और यहाँ पे ओपन जगह के बड़ा दरवाज़ा लगाना है। ठीक है, और अब हम ये करते हैं कि इसके सेंटर पे बिल्कुल ठीक है, यानी कि यही लाइन हम आगे लेकर आते हैं और इसकी परली साइड पे हम लगाएंगे विंडो। यहाँ से हमने लाइन ली और इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया यहाँ से, और यहाँ हमने 4 फुट की विंडो लगा दी और इसमें हमने लाइन्स लगा दी ऑफसेट 2 इंच। अब हमें यहाँ पे बेसिकली इस पे 6 फुट 6 इंच जगह, बल्कि 9 इंच हम जगह छोड़ते हैं, और इसके बाद हमने क्या करना है कि हमें कितने फुट का दरवाज़ा लेना है, 5 फुट का ऑफसेट 5 फीट का दरवाज़ा, और ट्रिम करेंगे तो ये हमारे पास दरवाज़ा निकल आया। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे भी दरवाज़ा ओपन जगह दरवाज़ा है, यहाँ पे भी दरवाज़ा है या विंडो, और यहाँ बाथ का दरवाज़ा है, ये लॉन्ड्री है। एक तो यहाँ पे दरवाज़ा है, हम इस दरवाज़े को बना, ऑफसेट 3 इंच, ऑफसेट 3 फुट, ये हमारे पास निकल आया। और उसके बाद अब हमें यहाँ पे 4 फुट का दरवाज़ा लगाना है। आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं 4 फुट। और यहाँ हम एक बड़ी खिड़की लगाएंगे
6 फुट की, ऑफसेट 3 फुट इधर, 3 फुट इस साइड पे, और यहाँ से हम इसको ऑफसेट 2 इंच फेंकेंगे तो हमारे पास ये वॉशरूम का यहाँ पे हम दरवाज़ा लगाते हैं 2.5 फुट का, तो 4-6 इंच और आप ये देखना है कि हमारा इसका क्या बना। इसमें हमें सिर्फ यहाँ पे 3 फुट का दरवाज़ा निकाल देना है ऊपर, ये हमारा हो गया। और इसमें यहाँ पे भी इसका दरवाज़ा होगा ऑफसेट 3 इंच ऊपर, सेट 2 फुट 6 इंच इधर, स्टूडेंट्स आई थिंक कि आपको समझ आ रही होगी कि हमने इसको कैसे बनाया है। और अब हम देखते हैं कि हमारी स्टेयर्स कैसे बनेंगी। ये स्टेयर्स नीचे से ऊपर और फिर इधर चला जाना है इसने। तो हमारे पास तो बेसिकली यहाँ से जगह नहीं बची, तो हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे हम गोल स्टेयर्स लगा देते हैं, फिर इसको हम 4 फुट सर्कल, 2 फुट दायर, 4 फुट और इसको हम यहाँ पे रख के सेंटर पॉइंट से लाइन लगाएंगे, अरे ए आर इंटर करेंगे, पोलर हमें कितनी स्टेयर चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें 17 स्टेयर चाहिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, तो बहरहाल ये नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमारी स्टेयर हम इसको बाहर से भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ तक हमारी 2D कंप्लीट हो गई है, तो अब हम देखते हैं कि इसका फ्रंट कैसे तैयार होगा। तो यहाँ पे स्टेयर्स भी थी जो हमने नहीं बनाई, ये बना लें 3 आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल मैं आपको इसका बताऊंगा कि हमने इसका जो फ्रंट एलिवेशन है, ये वाला फ्रंट हमने कैसे डिज़ाइन करना है, इसके अंदर ये दरवाजे खिड़कियाँ कैसे डिज़ाइन करना है, और फिर उसके बाद हम इसकी 3D बनाना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।